poem, the poet is telling us to speak truth. Yes? Why he is telling us to speak truth? He is telling us to speak truth because he wants to show us some sides of the life which is actually there. For example, कई बार ये होता है कि हम कुछ बोलते हैं, right? हमने कहीं से सुना, हमने कुछ बोला, शायद हमारा टोन अलग है, शायद हमारा बात करने का तरीका अलग है. मे द वर्ड डिफर्स, शायद अगर वर्ड्स चेंज हो गए या फिर शायद हमारा टोन चेंज हो गया तो पूरा सच बदल जाता है. सो द पोएट इज टेलिंग अस टू स्पीक ट्रुथ. यस, टुडे आई एम टेकिंग ओनली टू पैराग्राफ, राइट? द रेस्ट आई टेक इन द नेक्स्ट क्लास, बट आई लव दिस पोएम बिकॉज इट इज शोइंग अस द बेस्ट वे टू स्पीक ट्रुथ, राइट? सी, से व्हाट यू वांट, आप वही बोलिए जो आपको चाहिए. मीन व्हाट यू से, आप जो बोलते हो वह बताओ. मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो चिंता ना करता हूं बैठो छो, राइट? मेनी अ टाइम वी हैव हर्ड दिस वर्ड, हमने कईयों को बोलते हुए सुना है, तू टेंशन ना लेता हूं, आई एम देयर विथ यू, मैं तेरे पीछे ही हूं. है कई बार, यस, कई बार जब हम फ्रेंड्स से बात करते हैं तो अगर हम किसी चीज से डर रहे हैं तो वो हमें आके सिखाएगा, अरे क्या डर रहा है यार, आई एम देयर विथ यू, जस्ट वेट वेट वेट, तू जा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं. एंड अगर वही चीज वापस आ गई तो व्हाट यू से, will not be there to say anything. वो वहां पे खड़ा ही नहीं होगा. कई बच्चे होते हैं जो डॉग से डरते हैं, राइट? सो बोलते ना कई, अरे कुत्ते से थोड़ी डरते हैं, यस, बट जैसे ही डॉग आता है सबसे पहले वही भाग जाते हैं. सो इन दिस लाइन पोएट वॉन्ट टू विच यू कैन मीन, आप जो चीज मानते हो उसी को बोलो. यू शुड नॉट मेक फॉल्स प्रोमिसेस. इफ यू आर टेलिंग मी डोंट वरी मुझो बाचड़, सो डोंट बिलीव एनी वन, एट दैट टाइम यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, राइट? नेक्स्ट, रिमेंबर द डार्केस्ट लाइट ऑफ द डे. मतलब पोएट कहता है कि दिन के सबसे डार्केस्ट पार्ट को भी याद रखो. क्यों? दिन आएंगे जब हमें टफ से टफ टाइम से गुजरना पड़े, तो उस टाइम पे आइदर ऐसे प्रोमिसेस किसी को दो ही नहीं कि आप फुलफिल ना कर पाओ, राइट? हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जो हम कर पाए, राइट? हम उतना ही सच बोलेंगे जिसे हम फुलफिल कर पाए. अगर आप मम्मी पापा को प्रॉमिस कर रहे हो, पापा आई विल ब्रिंग 60%, ओके नो प्रॉब्लम, आई विल ब्रिंग 70%, ओके नो प्रॉब्लम, बट इफ यू से पापा इस बार तो 99% मेरे ही है, सो नो, जस्ट मेक दैट मच प्रॉमिस विच यू कैन फुलफिल, राइट? नेक्स्ट, बी हु यू आर, डू एज यू प्लीज. मतलब आप जो वही रहो, आपको अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है. कई बार हमने ऐसा देखा है कि कई बार कोई आके हमें थोड़ा अच्छा बोल के जाता है, हम अपने आप को और बेहतर, बेहतर की जगह हम अपने आप को और बड़ा दिखाने लगते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कई दोस्त होंगे जो खुशामतियां होंगे, राइट? वो आके बोलेंगे, अरे अरे अरे
तो कितना अच्छा यार, तेरे पास तो कितने सारी चीजें हैं। देख तेरे पास वो गेम है वो कितनी अच्छी है। एक काम कर, वो गेम लेके आ, हम खेलते हैं। राइट, सो मेनी अ टाइम हम क्या करते हैं, पापा मम्मी ने इतने प्यार से गेम दिला दी, पापा मम्मी ने इतने प्यार से बड़ा सा टॉय दिला दिया, और हमारे फ्रेंड्स हमें अच्छा बोलेंगे, अरे 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 यार तेरा टॉय बहुत अच्छा है, तू दिल का कितना अमीर है, यस तू इतना अच्छा है कि तू हमें इससे खेलने देगा। राइट, तो एक काम कर, जस्ट गो एंड ब्रिंग योर टॉय, और हम इतने अच्छे कि हम वो टॉय लेके आते हैं, उससे खेलते हैं, खेलने तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गलती से उन्होंने वो टॉय तोड़ दिया, तो अगर हम उनसे उन पे चिल्लाएं तो वो लोग उल्टा हम ही से लड़के चले जाते हैं, और उसके बाद हमसे फ्रेंडशिप भी कंटिन्यू नहीं करते, लड़के आ जाते हैं। यस होता है आप सबके साथ ये, यस इट हैपेंस मेनी टाइम, बट वट पोएट इज टेलिंग यू हियर इज बी हु यू आर, आप जो हो वही रहो, किसी के बोलने से यू डोंट हैव टू चेंज योर सेल्फ, आपको अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, द ट्रूथ इज गोइंग टू ब्रिंग यू टू योर नीज, ब्रिंग यू टू योर नीज, मतलब जब भी सच सामने आएगा तब आप वापस से जमीन पर आ जाओगे। हियर द मीनिंग इज गिवन, ब्रिंग यू टू योर नीज का मतलब है मेक यू हम्बल, आपको हम्बल बना देगा, ट्रुथ आपको हम्बल बना देगा, लेकिन हम इतना आगे बढ़े ही क्यों, हम अपने आप को सुपीरियर माने ही क्यों, लोग आएंगे हमें चढ़ाएंगे बट हमें नहीं चढ़ना है। आई रिमेम्बर वन स्टोरी, शायद आप छोटे थे और आपने सुनी हो, एक कौवा और एक फॉक्स। राइट, फॉक्स इज ऑलरेडी सेट अ कनिंग एनिमल, कनिंग मतलब चालाक, चालाक लोमड़ी। यस सो इन दिस पोएम, सॉरी इन दिस स्टोरी व्हाट वाज हैपेंड, एक कौवा है वो बहुत भूखा था और वो पूरी का टुकड़ा लेके आया। राइट, सो जब भी वो पूरी का टुकड़ा लेके आया और वो पेड़ पे बैठ के जस्ट खाने वाला था, उतने ही टाइम में एक फॉक्स वहां से निकलता है, और वो क्या करता है, उसको भी भूख लगी है, उसको भी पूरी चाहिए, लेकिन कैसे ले, नहीं ले सकता। उसने क्या किया, उसने कौए को बोला, अरे वाह क्रो, वाह तू कितना अच्छा है यार, कितना बढ़िया दोस्त है, यस और तुझे पता है तेरी आवाज तो इतनी मीठी है, और तू जब गाना गाता है क्या गाना गाता है यार, तेरे गाने पे तो हम फिदा है, एक काम कर एक अच्छा सा गाना सुना दे। राइट, और वो कौवा महाशय इतने खुश हो गए, एंड व्हाट दे डिड, उन्होंने जैसे ही मुंह से काव काव गाना गाना शुरू किया, वो जो पूरी उनके मुंह में थी इट फेल डाउन, वो नीचे गिर गई, और वो हमारे महान फॉक्स महाशय उन्होंने क्या किया, नीचे भी नहीं गिरने दी, सीधे मुंह में लपक ली और वहां से भाग गए। यस, तो ऐसे फ्रेंड्स हमें बहुत सारे मिलेंगे, वी हैव टू बी केयरफुल ऑन हुम टू ट्रस्ट एंड हुम टू नॉट, हमें ऐसे फ्रेंड्स से सावधान रहना चाहिए। राइट, सो होप दिस बोथ द पैराग्राफ आर क्लियर टू यू। यस, एंड फॉर दिस योर होमवर्क विल बी, आई गिव यू द एक्स्ट्रा, आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा मीनिंग्स इन दिस, बट योर होमवर्क विल बी यू विल राइट बोथ दिस पैराग्राफ इन योर नोटबुक विथ गुड हैंड राइटिंग,
बिकॉज मुझे पता है आप लोग के हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं, सो यू विल कंप्लीट दिस इन नोटबुक. यस, गुड बाय फॉर द डे.